हाय दोस्तों, तो आज के फिर एक नए वीडियो का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्त एचयू सिस्टम के बारे में। ठीक है, एचयू सिस्टम में मैं ये बात करने वाला हूँ हाउ टू एनर्जी सेविंग ऑफ एचयू इन बीएमएस। ठीक है, यानी जो हमारा एचयू है एनर्जी सेविंग कैसे करता है। ठीक है, उसका क्या प्रोसीजर है, किस प्रोसीजर पर वो सेविंग करता है। ऐसा ही थोड़ी ना कि हाँ वो एनर्जी सेविंग करता है तो करता है, उसका क्या मतलब किस बेस पे करता है, ठीक है, किसके थ्रू करता है। ठीक है, इस सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे। ठीक है, तो सिंपल से दोस्त है, ये जो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ ये मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा। ठीक है, क्या रीज़न है, किसी भी काम करने से का कोई रीज़न होता है ना दोस्त, वही मैं रीज़न में बताऊंगा कि मैं आखिर वीडियो क्यों बना रहा हूँ। ठीक है, और आप लोगों के पास क्यों शेयर करता हूँ। ठीक है, तो इस बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो पहला चीज़ हम बात कर लेते हैं एचयू सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो एचयू सिस्टम के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। ठीक है, आप वहाँ से वॉच करोगे अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, ज़्यादा टाइम आप लोग का वेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ मैं हाउ टू एनर्जी सेविंग ऑफ एचयू इन बीएमएस सिस्टम में बात करूंगा। ठीक है, और रहा बात इसमें बहुत सारे सेंसर, डीपीटी, टेम्परेचर सेंसर, ये सब डीपीटी, ब्लोअर, आरएफ सेंसर, सीओटू सेंसर, ये सब लगा हुआ है। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप वॉच करके ये नॉलेज कलेक्ट कर सको, ताकि आपको ये जो एनर्जी सेविंग का जो ये फंडामेंटल है ना, ये आपको इसके वजह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे आपको सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और लास्ट में ये वीएबी तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एनर्जी सेविंग के लिए ये सबसे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, तो इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ हूँ, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो मैं बीएमएस बेस पे बनाया हुआ, तो आप जरूर ये भी एक बार वीडियो जरूर देख लो। ठीक है, ताकि आपके आपको ये जो एनर्जी सेविंग का फंडामेंटल है वो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए, उसके बाद से कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्त। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर जो भी मेरे चैनल पर नया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूले, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्त, और ठीक है दोस्त, तो पहले हम वीएबी से स्टार्ट ही कर लेते हैं। वीएबी के बारे में ऑलरेडी आया हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत बता दूँ, ताकि हमारा एनर्जी सेविंग का फंडामेंटल क्लियर हो। ठीक है, तो सब कुछ मान लेते हैं, हमारा ये जो रूम टेम्परेचर का जो सेट पॉइंट है ना, क्या लिखा है, रूम टेम्परेचर एसपी, रूम टेम्परेचर सेट पॉइंट। ठीक है, ये जो इसका मान लेते हैं हमने, इस रूम का जो टेम्परेचर है, जोन ए का जो टेम्परेचर है, मैंने इसको 22 सेट कर दिया। ठीक है, ठीक है, क्या कर दिया हमने, 22 डिग्री सेल्सियस पे हमने सेट कर दिया। ठीक है, और उस टाइम हमारा रूम का टेम्परेचर क्या हो रहा है, 23, क्या हो रहा है, 23। ठीक है, तो सिंपली से बात है, ये रूम टेम्परेचर उस टाइम क्या है, 23, हमारे मतलब क्या, हमारे सेट पॉइंट से ज़्यादा है। ठीक है, और ये क्या है, ये 23, 22 से गर्म है ना, और हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, कोल्ड का, हमारा रिक्वायरमेंट है कोल्ड का। तो कोल्ड के लिए सिंपली सा ये जो डैम्पर है वो 100% खुलेगा, तभी तो इधर से एयर आएगा, इधर से तभी तो ठंडा एयर आएगा, तो इस रूम को कोल्ड करेगा, फिर ये रिटर्न होगा, फिर से यही मतलब क्रिया, जो प्रक्रिया है ये सर्कुलेट होती रहेगी। ठीक है, यही एरिया सर्कुलेट होते रहेगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में, उस कंडीशन जब 23 होगा, तो इस टाइम यहाँ पे डैम्पर ओपन ओपन क्लोज परसेंटेज, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, उस टाइम पोजीशन क्या होगा इसका, बोलिए दोस्त फटाफट। हाँ बिल्कुल, 100% 100% हमारा ये ओपन हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, 100% ओपन हो जाएगा, जल्दी जल्दी रूम ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये 23 से क्या होगा, 23 से 22 को जाएगा, वो यहाँ पे 22 था और यहाँ पे भी 22 था, जैसे ये 22 को जाएगा, सपोज ज़्यादा ठंडा हो गया, धीरे धीरे रूम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। ठीक है, तो जैसे ही रूम का टेम्परेचर 22 हो गया, धीरे धीरे क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 65, ठीक है, 50, 45, ऐसे धीरे धीरे क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट में पूरा 0% पे जाके क्लोज हो जाएगा, और ये तब तक ओपन नहीं होगा, तब तक ओपन नहीं होगा जब ये 23 ना हो जाए। ठीक है, तब थोड़ा देर के लिए हम दोस्त ये मान लेते हैं कि हमने तो सेट किया है 22। ठीक है, और यहाँ पे है हो गया रूम टेम्परेचर, सपोज ज़्यादा मतलब ठंडा हो गया रूम रूम। ठीक है, तो ये 21 हो गया। ओके, तो जब ये 21 हो गया टेम्परेचर, तो उस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा ये होगा 0% वाल्व, ये डैम्पर क्लोज जाएगा। तो ये क्लोज कैसे होगा,
ये हमारा जो रूम में थर्मोस्टेट लगा रहता है ना, ये रूम को उसमें टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है जो रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है, ठीक है, कि हाँ रूम का टेम्परेचर इतना है, ज्यादा है कम है, ठीक है। तो अगर ज्यादा है तो ये कमांड देता है कंट्रोलर को, ठीक है, VAB कंट्रोलर को कमांड देता है कि रूम टेम्परेचर ज्यादा है हमारे सेट पॉइंट से, ठीक है, तो उस टाइम ये 100% इसको ओपन करवाएगा, ठीक है। VAB कंट्रोलर डैम्पर एक्चुएटर को ओपन, VAB कंट्रोलर एक्चुएटर को 100% तक ओपन करने का कमांड देगा, ठीक है। अब जैसे कम होगा, जैसे 22 से 21 को जाएगा, तो उस टाइम क्या करेगा, थर्मोस्टेट जो है वो VAB कंट्रोलर को क्लोज करने का कमांड देगा 0% एक्चुएटर को, ठीक है। तो ऐसे हमारा रूम का जो टेम्परेचर है ये बना रहेगा, ठीक है, यानी जो हम सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये रन करेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ठीक है। ये तो हो गया पार्ट वन की हमारा एनर्जी सेविंग इस रूम के लिए हो रहा है, ठीक है। अभी एक और चीज बीच में एक समझ लेते हैं कि VAB हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक VAB होता है जिसमें कंट्रोलर लगा रहता है, ठीक है, उस कंट्रोलर से ये हमारा बेनिफिट रहता है, उस VAB को हम DMA से भी कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, हर एक चीज मतलब देख सकते हैं, ठीक है। और एक होता है VAB जो डायरेक्ट थर्मोस्टेट कनेक्ट हो गए, एक टेम्परेचर टाइप का रहेगा उसको लगा देंगे और उससे वो टेम्परेचर कंट्रोल होता है रूम का, ठीक है। लेकिन हालांकि वो बहुत हद तक सही नहीं है, क्योंकि उससे हम BMS में कुछ फॉल्ट आ गया, ठीक है, सॉरी VAB में कुछ फॉल्ट आ गया तो हम यहाँ BMS में नहीं देख सकते, ठीक है, वो कंप्लेन आएगा तभी हम लोग जाके ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और मॉनिटर उसको नहीं कर सकते, यहाँ से BMS से कंट्रोल नहीं कर सकते, उसमें ये लॉसेस है, ठीक है। तो हालांकि VAB कंट्रोलर वाला जो कंट्रोलर वाला VAB है वो सही है, ठीक है। तो ये तो आपको चीज समझ में आ गया होगा। तो सपोज उसी तरह हम मान लेते हैं, ठीक है, हमारा टेम्परेचर सेट पॉइंट इस रूम में जो इस रूम का बंदा है उसको 24 चाहिए उसको, ठीक है, और इस टाइम हमारा रूम टेम्परेचर क्या है 22, ठीक है। इसमें सपोज मान लेते हैं इस बंदे को 23 इसको चाहिए रूम में, और इसका है जो रूम टेम्परेचर है 21, क्योंकि वो दोस्त हर लो हर किसी का बॉडी अलग अलग पता है, किसी को ज्यादा गर्म अच्छा लगता है, किसी को ज्यादा ठंडा अच्छा लगता है, ठीक है। और इसमें मान लेते हैं इसको 21 चाहिए और इस रूम का टेम्परेचर है 20, तो मान लेते हैं यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। यानी दोस्त यहाँ पे एक समझने वाली बात है, हमारा जितना सेट पॉइंट है ना उससे जो रूम टेम्परेचर है उससे कम है, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, हमारा ये VAB है वो क्या होना चाहिए 0% पे क्लोज हो जाना चाहिए। तो ये सारा चीज हो गया, ठीक है, कि हमारा तो जो VAB है वो 0% पे क्लोज हो गया और उस टाइम हमारा AC चल रहा है। सपोज ये बंद हो गया तो फिर एयर जाएगा कैसे, क्योंकि हमारा एयर इधर से आ रहा है ना, इधर इधर आ रहा है, फिर सारे डक्ट में जा रहा है, फिर डक्ट से होके फिर यहाँ पे इसका रिटर्न है, रिटर्न से होके फिर यही फिर सर्कुलेट होता रहा, यही क्रिया चलता रहा है, ठीक है। तो सपोज यही जो हमारा यही है हमारा यही जो बंद है ये सारा बंद है तो एयर जाएगा किधर, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि हमारा ये डक्ट डैमेज या फटने का चांसेस रहता है। सिंपल से इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक DPT सेंसर है जो इसके थ्रू ये VFD कंट्रोल है ना, VFD मोटर है ये ब्लोअर है, ठीक है, ये इसको कंट्रोल करता है, क्या करता है इसको कंट्रोल करता है, तो इसे हमारा ये कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल होता है अब इसे बात कर लेते हैं। सपोज हमारा ये जो डक्ट, हर एक चीज के दोस्त करना एक प्रेशर होता है, ठीक है, हर एक चीज का एक अपना प्रेशर होता है, तो इस जो डक्ट का है ना ये ऑलरेडी इसका प्रेशर जो मैक्सिमम इसका प्रेशर लोड है वो निकाल दिया गया है, ठीक है। ये जो मैं ये मार्क कर रहा हूँ, ये डक्ट का टोटल कितना है 160 पास्कल, क्या है 160 पास्कल इसका फुल प्रेशर लोड है इस डक्ट का, ठीक है। 160 से अगर ज्यादा होगा तो डैमेज या फटने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो उसी टाइम ये क्लोज है तो जाहिर सी बात है पूरा एयर आ रहा है, भर रहा है, भर रहा है, ठीक है। तो भरेगा तो सिंपली से बात है प्रेशर बनेगा, प्रेशर ज्यादा बिल्डअप होगा, डक्ट फटने का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक सेट पॉइंट दिया था, ठीक है, 160 पास कर। तो यहाँ पे 160 से जैसे ही सपोज क्लोज हो गया तो सिंपली सा प्रेशर बढ़ेगा, तो मान लेते हैं उस टाइम 250 पास्कल ये प्रेशर है, ठीक है, 250 पास्कल इसका प्रेशर हो गया। उस टाइम क्या करेगा, देखेगा आओ मेरा तो सेट पॉइंट 160 पास्कल है और तुम जा रहे हो 250, उस टाइम क्या करेगा VFD को, ये VFD को कंट्रोल करेगा, यानी VFD सपोज उस टाइम 75 पे चल रहा है, उस टाइम 75 पे चल रहा है जब इसका 250 पास्कल है, तो ये बोलेगा कि 160 पास्कल को फॉलो करो, ये तब तक
ये 160 पास्कल को फॉलो करो। तो ये सिंपली सा बात है, धीरे धीरे घटते घटते 45 आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक रेशियो हो गया। ठीक है, कितना आएगा वो तो डिपेंड करता है हमारे प्रेशर पे। ठीक है, वो कितना भी आ सकता है, 45 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये 60 को, ये 160 पास्कल को फॉलो करेगा। ठीक है ना, उससे ज्यादा ना कम होने देगा। और इससे ये फायदा है कि वेस्टेज में हमारा जो ब्लोअर है, VFD फैन है, ठीक है, वो वैसे नहीं चल रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि हमारा, हम लोग जितना यूज कर रहे हैं उतना ही चल रहा है ना, ज्यादा तो चल नहीं रहा है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी हमने उसको 160 पास्कल प्रेशर सेट पॉइंट दे दिया, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। यानी हमें जितना जरूरत है वो उतना ही चल रहा है, ना कि उससे ज्यादा और ना ही कम। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम है, इस सिस्टम पे ये ऑटोमेटिक काम करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। ये तो देखिए दोस्त, एयर के, देखिए ठंडा ऐसे ही कहीं नहीं जाएगा, ठंडा जाएगा वो किसी एयर के माध्यम से ही जाएगा। तो एयर के थ्रू इस रूम में ठंडा एयर आएगा। ठीक है, तो ये वाकई सा रूम ठंडा होगा। ठीक है, तब बात कर लेते हैं टेम्परेचर सेंसर की। सपोज ये हमने टेम्परेचर सेट पॉइंट 12 किया और 12 जा रहा है। ठीक है, 12 जा भी रहा है, अगर ये 12 से 14 हो गया, क्या हो गया, सप्लाई टेम्परेचर सेट पॉइंट 12 है और ये 14 हो गया, तो उस टाइम क्या होगा, हमारा ये जो वाल्व एक्चुएटर है ना, 100% ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 100% ओपन हो जाएगा, 0 to 100% में भी काम करता है। तो जो 100% ओपन हो जाएगा, तो इसमें से रिटर्न में लगा हुआ है, तो ये जब ओपन हो जाएगा तो इसमें से जो चिल्ड वाटर भरा हुआ, जो सर्कुलेट ज्यादा मात्रा में होगा, सर्कुलेट होता रहेगा। ठीक है, सर्कुलेट होता रहेगा, सर्कुलेट होता रहेगा। ठीक है, तो ये सर्कुलेट जब होता रहेगा ना, तो ये पूरा कॉइल ठंडा हो जाएगा। जब कॉइल ठंडा होगा, जब इसमें से एयर टकरा के इधर जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं टेम्परेचर जा रहा है, इन कर रहा है 6 और रिटर्न हो रहा है 12। ठीक है, तो 6 जब इधर जाएगा, इस पर टकराएगा, तो सिंपली सा इधर ठंडा एयर आएगा। तो इसको ये फॉलो करेगा, देखेगा कि हमारा टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। अगर इसे 14 से 14 हो गया था ना, 14 हो गया था ये, सपोज मान लेते इसको 14 हो गया और 12 है, तो उस टाइम वाल्व को ओपन, और जब तक ये टेम्परेचर सेंस कर नहीं कर लेगा 12, कि हमारा 12 टेम्परेचर आ गया है, तब तक ये ओपन रहेगा। जैसे ही 12 से कम हो जाएगा, ये 0% क्लोज को जाएगा। यानी इस तरह से हमारा टेम्परेचर भी एचयू का मेंटेन होता रहता है। ठीक है, तो ये तो चीजें सारी क्लियर हो गई, तो दोस्त आपको तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इससे हमारा क्या हो रहा है, एनर्जी सेविंग हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारा एनर्जी सेविंग हो रहा है, हमारा VFD भी सेविंग हो रहा है। जैसे कितना परसेंटेज में एयर चाहिए, ठीक है, एयर का भी कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर का भी कंट्रोल हो रहा है, यानी टेम्परेचर भी ज्यादा हम यूज नहीं कर रहे हैं, यानी हम लोग एनर्जी सेविंग कर रहे हैं। इसी सिस्टम पे ये एनर्जी सेविंग होता है, और यहाँ पे भी ये भी। अब मैं दोस्त बता दूं आपको कि मैं ये वीडियो बनाने का मेरा असली पर्पस क्या था। ठीक है, मैं क्यों बनाया, मैं कहा, मेरे को आइडिया कहाँ से आया। ठीक है, ठीक है, ये दोस्त एक्चुअली मैं जहाँ पे काम करता हूँ ना, ठीक है, वहाँ की बहुत सारी भीए भी है ना, बहुत सारी, ऑलमोस्ट 30 से 40% भीए भी है जो एचयू के साथ कनेक्ट है, वो खराब है। ठीक है, क्या है, वो खराब है, वो काम नहीं करता है। ठीक है, आप लोग बोलोगे रिप्लेस करा देने के लिए, इतना आसान नहीं होता है दोस्त। ठीक है, रिप्लेस बहुत महंगी आती है भी अभी। ठीक है, और रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए कोटेशन, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, आप लोग अगर, आप लोग इस फील्ड में जो है वो समझ जाएगा, जो नहीं होगा वो आएगा फील्ड में, वो समझेगा। ठीक है, तो या फिर हमारे अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, तो इसमें सिंपल सा भी समझ लेते हैं। सबको 50% जो ये VFD खराब है, ये VFD दोनों हमारा खराब है। क्या है, दोनों VFD हमारा खराब है, तो जाहिर सा बात है ये हमारा टेम्परेचर सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग ये ओपन क्लोज नहीं होगा, यानी ये काम नहीं करेगा। कभी 18 हो जाएगा, कभी 22 हो जाएगा, कभी 25 हो जाएगा, यानी कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम एक ही कंडीशन में, तो हम लोग उसको पता है मैनुअल एडजस्ट किए हैं, 50%, 10% अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, क्या है अकॉर्डिंग क्लाइंट को क्या चाहिए, ठंडा चाहिए, गर्म चाहिए, उसके साथ हम लोग एडजस्टेबल से मैनुअल उसको एडजस्ट करके उसको मतलब नॉर्मली ये कर देते हैं। तो इससे क्या होता है हमारा, इससे हमारा ये होता है कि उस टाइम, उस टाइम कोई नहीं है स्टाफ, तो ये उस टाइम तो कंडीशन में सपोज ये 50% ओपन कर दिए क्लाइंट अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, सपोज रात में कोई नहीं है, तो ये पूरा इसमें एयर भरेगा, पूरा एयर भरेगा। सुबह सुबह आते आते इसका 18 6 70 टेम्परेचर जब इस रूम का हो जाएगा, तो जाहिर सा बात है आएगा सुबह क्लाइंट, तो कंप्लेन आएगा कि भाई ये 18 क्यों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, एनर्जी वेस्टेज। क्या हो रहा है दोस्त, एनर्जी वेस्टेज। ठीक है, तो इस VFD के खराब होने की वजह से हमारा एनर्जी वेस्टेज भी हो रहा है। ठीक है, और सही से हर एक चीज कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है, तो इसी के वजह से मैं ये वीडियो बनाया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि
ये बिहेवियर जब हम लोग खराब है तो हम लोग कैसे मतलब मैनेज करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बीएफडी में हमारा सिस्टम दिया रहता है, इसको मैनुअल हम लोग एडजस्ट करके चला लेते हैं। ठीक है, कभी 65 पे रखते हैं, ठीक है, कभी 65 पे रखते हैं, तो कभी 55 पे रखते हैं, कभी ज़्यादा गर्मी है तो 85 या कभी कभी 100 पे भी ऐसे चला देते हैं। ठीक है, यानी हम लोग का जो सिस्टम है मैनुअल है। ठीक है, तो मैनुअल सिस्टम है तो हम लोग इसको मैनुअल ही चला के एडजस्ट करते हैं, हालांकि सारी चीज़ें ऑटो में रहती है लेकिन हम लोग मैनुअल के चलाते हैं। तो इसी के वजह से मैं सोचा था कि ये वीडियो अच्छा होगा। ठीक है, ये वीडियो बहुत मतलब नॉलेज के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो वीडियो है दोस्त, ये नॉलेज तो है, ये नॉलेज साथ साथ ये एक्सपीरियंस भी मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्त, ये एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ। देखिए, नॉलेज तो आपको मिल जाएगी कहीं भी, बहुत सारी किताबें मिल जाएगी, बहुत जगह मिल जाएगी, लेकिन एक्सपीरियंस क्या है, किसी जो एक्सपीरियंस बंदा है उसी से आपको मिलेगा। ठीक है, ना कि किसी और से मिलेगा। ठीक है, नॉलेज तो बहुत सारी किताबें में एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपसे सीनियर है, ठीक है, या जो अभी उस फील्ड में है, एक्सपीरियंस आपको वहीं से मिलेगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जब ये वीडियो मैं बहुत दिनों सोच रहा था बनाने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा ये वीडियो है। ठीक है, और आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट में अगर आपको कुछ डाउट है तो मेरे को बताइए, मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, और अपने वीडियो ये वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, और वहाँ पर सेव आप वॉच करके देख सको और आप नॉलेज कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्त, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा वीडियो शेयर करते रहिए। जय हिंद।